लोकसभा में तीन तलाक बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कानून मंत्री ने कहा कि 20 से ज्यादा इस्लामिक देशों ने इसे बदला है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसे गलत बता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पीड़ित बहने क्या घर में टांगे। लोकसभा में आज तीन तलाक को अपराध बनाने वाला बिल चर्चा हो रहा है। इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा राज्यसभा में आज RTI संशोधन बिल पेश किया जाएगा। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल RTI बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग पर अड़े हैं। लोकसभा के एजेंडे में आज इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग बिल और DNA टेक्नोलॉजी बिल भी शामिल है। कर्नाटक में कांग्रेस JDS की सरकार गिरने के बाद अब नई सरकार के गठन के लिए हलचल तेज हो गई है। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मिला। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में भी आज एक बार फिर बागी विधायकों की याचिका का मसला उठ सकता है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी NCP को जोरदार झटका लगा है। मुंबई NCP के अध्यक्ष सचिन अहिर ने आज शिवसेना का दामन थाम लिया। उद्धव ठाकरे ने आज सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान उद्धव ठाकरे सचिन अहिर को शिवसेना में शामिल करवाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सचिन अहिर ने पहले ही NCP से इस्तीफा दे दिया था। कर्नाटक में कांग्रेस जनता दल सेकुलर JDS गठबंधन की सरकार गिरने के बाद ऐसी चर्चा तेज हो गई थी कि BJP मध्य प्रदेश में कुछ उलटफेर कर सकती है। इस बारे में पूर्व मुख्यमंत्री और BJP के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान कई बार बोल चुके हैं, लेकिन बुधवार को इसके उलट वाक्य हुआ। एक तरफ BJP सरकार गिराने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी ओर बुधवार को विधानसभा में एक बिल पर वोटिंग के दौरान BJP के 2 विधायकों ने कमलनाथ सरकार के समर्थन में वोट किया। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी नलिनी श्रीहन जेल से बाहर आ गई हैं। उसे मद्रास हाई कोर्ट से 30 दिन की परोल मिली थी। इसके बाद गुरुवार को वे जेल से बाहर आ गई। नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए मद्रास हाई कोर्ट 6 महीने की परोल मांगी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उच्चतर शिक्षा एवं कौशल विकास गारंटी योजना की प्रगति के समीक्षा के लिए बुधवार को 13 सहभागी बैंकों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। केजरीवाल ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सहभागी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे सहयोग तथा विवरण बढ़ाने के लिए हर एक शाखा और कर्मचारी को ऋण योजना का विवरण दें। इसके लिए दिल्ली में प्रत्येक शाखा के परिसर में डिस्प्ले लगाने का निर्देश दिया गया ताकि योजना के प्रति जागरूक बढ़ाई जा सके। योजना के तहत छात्र उच्च शिक्षा के लिए बिना कुछ गिरवी रखे 10 लाख रुपये तक कर्ज ले सकते हैं। आज राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के कई राज्यों के लोग बारिश में भीग सकते हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज मूसलाधार बारिश हो। भारत के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी 31 जुलाई से 15 अगस्त तक सैनिकों के साथ रहेंगे। इस दौरान वे 106 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन पैरा के साथ रहेंगे। ये यूनिटी कश्मीर में तैनात है और विक्टर फोर्स का हिस्सा है। धोनी इस दौरान गश्त, गार्ड और पोस्ट ड्यूटी करेंगे। आज से 5 साल पहले सलमान खान की फिल्म किक सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसके दर्शकों ने खूब पसंद किया था। साल 2014 में आई फिल्म किक में सलमान का रोल डेविल तो फैंस को बहुत पसंद आया ही था। वहीं उसका डायलॉग मेरे बारे में इतना मत सोचना, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं, सभी की जुबान पर छा गया था। अब 5 साल बाद सलमान के फैंस के लिए खुशखबरी है, किक 2 जल्द ही वापस आ रहा है।